गोवर्धन महाराज की। दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था और 7वें दिन भगवान ने इसे नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट पर्व मनाने की आज्ञा दी। तभी से गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है भक्तों। इसे अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत उठाकर श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अभिमान को समाप्त किया था। इस दिन लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन भगवान के चित्र को बनाकर उनकी परिक्रमा लगाते हैं और 7 बार परिक्रमा लगाने से उनके पूजन से सभी तरह के दुखों का नाश होता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। श्री कृष्ण भगवान की। हम गोवर्धन महाराज की तुमको कथा सुनाते हैं। हाँ कथा सुनाते हैं। क्यों गोवर्धन पूजा होती आओ बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम गोवर्धन महाराज की तुमको कथा सुना।
बचाया। लीलाधारी कृष्णा को सब शीश झुकाते हैं, सब शीश झुकाते हैं।
रोगों से मिलती मुक्ति। ब्रजमंडल में इस पूजा का महत्व बड़ा ही भारी, बड़ी खुशी से इसे मनाते हैं सारे नर नारी। इस दिन गाय और बैल दहलाकर रंग लगाया जाता, गाय बैल के गले में नया रस्सा डाला जाता, गाय बैल को इस दिन गुड़ और चना खिलाया जाता। इनकी पूजा भी करके ये पर्व मनाया जाता। गोवर्धन भगवान के सारे महिमा गाते हैं, मिट जाता।